वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग इस रिंग का 3D मॉडलिंग करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एक रिंग रेल लेंगे, ओके, जो मैट्रिक्स में फिर साइड में थोड़ा नीचे आएंगे, तो स्विच 30 नंबर पे रिंग रेल लेंगे। तो अभी हम लोग रिंग रेल ले लिए, ओके। देन इस ले ये जो कर्व है उसका लेंथ एनालाइज पे जाएंगे, फिर उसका लेंथ को सिलेक्ट करेंगे, ओके। फॉर कमेंट बार पे आप देख सकते हैं 53, एंड देन इसको कॉपी करके एक लाइन लेके पेस्ट कर देंगे, ओके। फिर इसको सेंटर पे लाएंगे, साइड पे थोड़ा नीचे करेंगे, फिर यूटिलाइज पे जाएंगे, फिर सेंटर पे क्लिक करके सेंटर पे आ जाएंगे, ओके। फिर हमारा उसका जो आउटर का शेप है उसको देखते हैं अच्छे से। तो हम उसका जो शेप है उसको हम लोग फ्लैट में कर लेंगे नीचे पूरा, हम इसको नीचे करके ऊपर फॉलो एलोन कर्व करके ऊपर उठाएंगे, ओके। तो इसका माप देते हैं 2.2 / 2, आप लोग देख सकते हैं इसे 2.5, ओके, 2.2 नहीं 2.5। अभी सेंटर का माप देंगे 7/2, देन शिफ्ट प्रेस करके ऐसे छोड़ देंगे, ओके। फिर इसको मिरर करेंगे, इस तरफ मिरर हो जाएगा, ओके। फिर हम लोग इसको ड्राइंग करेंगे, इंटरपोलेट कर लेंगे, फिर ऊपर से सिलेक्ट करके फिर अच्छे से इसका 2D बनाएंगे पहले, ओके। फिर एक लाइन लेके इधर से इधर तक इसका एंड पे टच करके ज्वाइन कर देंगे, ओके। देन इसका पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा अच्छे से और भी कर लेंगे, पॉइंट का मूवमेंट ठीक अच्छे कर लेंगे। फिर इसका पॉइंट को हम लोग साइड का पॉइंट को डिलीट कर देंगे, फिर इसको मिरर करके साइड पे करेंगे, ऑपोजिट साइड पे। देन दोनों को जॉइन कर लेंगे एक बार, फिर इसका जो पॉइंट है बीच का उसको डिलीट करके स्मूथ कर लेंगे, फिर इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, ओके। देन इसको मिरर कर लेंगे ऑपोजिट साइड पे, तो अच्छे से और एक बार पॉइंट को अच्छे से सीध ठीक कर लेते हैं। शेप को अच्छे से पहले बना लेंगे हम लोग, कुछ भी कम करने से पहले। 2D जितना अच्छा होगा आपका काम भी उतना ही अच्छा होगा, तो फॉलो दिस मेथड। तभी हम लोग सबको एक बार ज़्यादा पॉइंट देके रिवील कर लेंगे, ओके। तो जितना हो सके उतना अच्छा हम लोग कर लिए ऐसा। फिर इसको रिवील करेंगे 4 पॉइंट से, तो आप देख सकते हैं मैंने 4 पॉइंट से रिवील किया। फिर इसका पॉइंट को ऑन करके 2 पॉइंट को थोड़ा ऊपर लेंगे, डोम शेप देंगे उसको, हम लोग को सरफेस बनाना है एक डोम जिसके ऊपर जो शेप है वो तो बनाएंगे। तो इसको ट्रांसफॉर पे जाके मिरर कर देंगे ऑपोजिट साइड पे, फिर नीचे का कर्व को डिलीट कर देंगे, फिर एक लाइन लेंगे सेंटर से एंड टू एंड, ओके। इसको भी मिरर रोट में रिवील कर लेंगे 5 पॉइंट से, फिर पॉइंट्स ऑन करके अच्छे से इसको डोम देंगे ऊपर की तरफ अच्छे से। तो ऐसे करके हम लोग इसको और एक बार रिवील कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेंगे ऐसे करके, तो अभी इसको नेटवर्क नहीं होगा, इसको हम लोग स्विफ्ट टू रिल करेंगे, स्विफ्ट टूल ऑप्शन लेंगे, फिर आउटर का दोनों सेक्शन को लेंगे, फिर बीच का सेक्शन को लेंगे, फिर ओके कर देंगे, ओके। सेलेक्ट करके देखते हैं तो ऑलमोस्ट अच्छे आया है। अभी हम लोग इसका जो शेप है पाइप जैसा उसको बनाने के लिए हम लोग पहले इसको
ट्रांसफर जाके प्रोजेक्ट टू सी प्लान कर लेंगे सरफेस को। सरफेस को हम लोग फ्लैट पे पूरा नीचे बिछा लेंगे। ओके, फिर इसको कलर देके हाइड कर देंगे लेयर पे। उस सरफेस को भी लॉक करके पूरा कर्व को हम लोग डिलीट कर देंगे, बीच का जो कर्व है उसको छोड़ के। अभी उस सरफेस को भी कलर देके हाइड कर देते हैं अभी। ओके, फिर एक बो साइन लाइन लेते हैं सेंटर से, ऐसे 45 डिग्री एंगल से। अब लोग इसको जितना और भी घुमा सकते हैं, एंगल ले सकते हैं, आप जैसे करना चाहे वैसे हो सकता है। तो मैंने इसको पाइप बना दिया 1 mm का। ओके, तो ऐसे करके मैं पाइप बना दिया। तो अभी इसको हाफ पाइप को हम लोग स्प्लिट करके काट लेंगे, खाली ऊपर का जो सरफेस है उसको लेंगे। तो अभी हम लोग इसको सी प्लान में कर लेते हैं काट को थोड़ा, फिर पाइप को काट लेते। ओके, स्प्लिट करके हम लोग काट लेंगे पाइप को, नीचे का पार्ट को डिलीट कर देंगे। फिर इसको एक्सप्लोर करके साइड का जो सर्फेस है उसको डिलीट कर देंगे छोटा सर्फेस। अभी हम लोग इसका एक डुप्लीकेट एज लेंगे साइड का, थोड़ा सा गैपिंग के लिए। अब लोग इसको कम भी कर सकते, तो मैं अभी 0.2 दे रहा हूँ। इसको अब लोग 0.1 भी 0.15 दे सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा हूँ। ओके, तो अभी इसको डायमीटर देख सकते हैं, अभी 0.2 का है ये। फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट पे जाके आड़ी पे जाके लाइनर पे जाएंगे। लाइनर पे 30 है, अभी जितना चाहे अपने ले सकते हैं। तो 35 लिए मैं बस एंड को पकड़ के उस कार्ब का जो एंड है सिलेक्ट करेंगे, तो सब 0.2 0.2 करके डिस्टेंस में सब बैठ जाएगा। ओके, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे क्योंकि बहुत ऊपर चला गया। तो सब सरफेस को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको मूव करेंगे, मूव करके नियर पकड़ के नियर से थोड़ा सा डाउन कर देंगे। नियर से नियर ही पकड़ना चाहिए, नहीं तो दूसरी सेंटर से निकल जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा नीचे लाएंगे। बस इसको जो सेंग है सेंग का पूरा कवर होना चाहिए। तो ऐसा करके आप लोग देख सकते हैं पूरा कवर हो गया। उसको थोड़ा सा हाइट को अभी बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा कम है। ओके, अभी हम लोग इसको फिलेट करेंगे। फिलेट जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका रेडियस को थोड़ा सा कम कर देंगे 0.2 जैसा। फिर हम लोग सारे सरफेस को एक साथ ऐसे जोड़ लेंगे। तो ऐसे देख सकते हैं पूरा कनेक्ट हो रहा है एक साथ। फिलेट सरफेस करेंगे थोड़ा कम रेडियस के, 0.2 0.3 करेंगे तो और भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे करके सबको एक साथ में ज्वाइन कर लेंगे। इस ऑप्शन को आप लोग काम का जो बिजिल होता है वो उसका कॉर्नर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से ऑप्शन को यूज़ करो, हर काम में यूज़ होता है ये ऑप्शन। तो अभी हम लोग पूरा सरफेस को सिलेक्ट करेंगे विदाउट सेंटर सरफेस, देन सबको ज्वाइन करके कर्व को हम लोग डिलीट कर देंगे। ओके, जो साइड का एक कर्व है लॉक को ओपन करके इसको थोड़ा सा गम्बेल को ओके थोड़ा हाइट कर लेते हैं। थोड़ा कम था इसका हाइट, अभी हम लोग इसको रिमूव करेंगे सेंटर को। फिर सबको
और एक बार ज्वाइन कर लेंगे। देन इसको मिरर करेंगे, ट्रांसफर पे जाएंगे, फिर मिरर करेंगे जीरो एंटर, देन इसका नियर एंड पर करके मिरर कर देंगे। ओके, तभी इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, अभी सेंगो कवर नहीं कर रहा है तो मैंने रोटेट कर दिया है। तो आप लोग इसको रोटेशन जिस तरफ लेना चाहते हो उसको ले सकते हैं। अभी मैं इसको पूरा ज्वाइन करके ऑफसेट करूँगा 0.8 का। आपका जितना ज़रूरी है उतना अपने काम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गोल्ड वेट जितना है उसके हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। ओके, मैं अभी इसको वायर कट लेके ऑप्शन लेके इसको काट दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ओके, ये काट गया, रिमूव नहीं हुआ क्योंकि इसको की बॉल पे ऑप्शन पे क्लिक नहीं था इसके लिए। अभी हम लोग ऐसे करके इसको जो सेफ है तो फ्लैट में इसको कर लिया है। अभी हम लोग इस शेप को उस डोम जो सरफेस बनाया जो हाइट है लेयर पे उसको इसको ऊपर हम लोग करेंगे, फिर इसको ऊपर से हम लोग इसको ऊपर ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग दोनों सरफेस को हाइट से अनहाइट करते हैं, तो सो हो गया सब। अभी हम लोग लॉक को ओपन करेंगे, देन इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे उस सरफेस के नीचे तक, क्योंकि हमारा जो सरफेस है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सरफेस से बाहर जाएगा तो लेंथ भी बढ़ जाएगा। अभी हम लोग सरफेस को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, देन ट्रांसफर पे जाएंगे, देन फॉलो अलोन कर्व सरफेस पे क्लियर कर, नॉट कर्व ओनली सरफेस, देन ऐसे ऊपर का सरफेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ भी उठ जाएगा, थोड़ा बस टाइम लगता है। तो अभी देख सकते हैं ऊपर आ गया है, बस हम लोग इसको हाइड कर देंगे, नीचे का सरफेस को भी हाइड कर देंगे, सर्फेस को कलर देके दूसरा और हाइट कर देंगे। ओके, तो हमारा जो काम था वो पूरा नीचे फ्लैट पे आ गया है। अब देख सकते हैं कैसा आया है। मैंने जो 2 mm का डिस्टेंस दिया था उसके लिए थोड़ा सा शायद ज़्यादा दिख रहा है, आप लोग इसको कम भी कर सकते हैं। मैं अपने स्टाइल से इस काम को बनाया, आपका भी कुछ दूसरा तरीका होगा, हो सकता है, सबका अलग अलग प्रोसेस है। मैंने बस यही प्रोसेस मुझे अच्छा लगा तो कर दिया, आप लोग भी दूसरा प्रोसेस होगा तो ट्राई कर सकते हैं। तो इसको कलर देंगे नीचे का जो कार्व था लेंथ का पूरा, बस उसको ट्रांसफर पे जाएंगे काम को सिलेक्ट करके, फिर फॉलो एलोन कार्व को सिलेक्ट करेंगे, फिर साइड नीचे का जो कार्व है कॉर्नर पे सिलेक्ट करेंगे, हम लोग वो जो नीचे है कार्व के नीचे उसको थोड़ा सा काट लेंगे। ओके, उसका उसको पूरा उधर से ही अच्छे से फिक्स्ड कर लेंगे एक सर्फेस लेके। तो हम लोग इसको एक स्टूट सर्फेस करके नीचे ऑफसेट करेंगे, फिर इसको काट देंगे, नीचे का जो लेवल होगा पूरा फ्लैट फिर आ जाएगा, फिर थोड़ा सा उसको ऑफ एक सर्फेस करके थोड़ा सा बस डाउन करना है, फिर अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा बस इसको ऊपर का तब लेना है बस। थोड़ा सा गम्बल को ऊपर लेंगे, थोड़ा सा हाइट कर लेंगे, पूरा पीस को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। मूव करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेंगे, अभी इसको काट देंगे बोलियन डिफरेंट करके। तो ऐसे पूरा नीचे का पूरा फ्लैट हो गया, बस उस सरफेस को हम लोग कॉपी कर लेंगे, फिर थोड़ा सा 0.3 जैसा कि 0.4 जैसा
नीचे की तरफ ऑफसेट कर लेंगे। -0.3 क्या -0.4 आपको जीतना चाहिए, फिर ग्रुप कर लेंगे। सेंटर पे पूरा स्कूपिंग है, पूरा मेटल नहीं है, आप चाहे तो उसको पूरा भी सॉलिड भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफर पे जाएंगे, फॉलो एलोन कार्व लेंगे, फिर साइड का कार्व को सिलेक्ट करेंगे, फिर साइड नीचे का जो सर्कल है उसको लेंगे। तो हम पूरा काम अभी रेडी हो जाएगा, बस ऐसे ऊपर आ गया, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से आ गया। कभी कभी घूम जाता है, इधर उल्टा हो जाता है, तो अच्छे से बस, तो देख सकते हैं आप लोग हम लोग का जो काम है पूरा रेडी है। अभी हम लोग इसको और भी ज़्यादा मोटा कर सकते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, आपके हिसाब से एंगल भी चेंज कर सकते हैं पाइप का, तो आप लोग जैसे चाहिए वैसे बना सकते हैं आपके हिसाब से। मैंने बस इसका प्रोसेस दिखाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।